इकरार मोहब्बत हो रही है। तन्हाई मेरी अब मिट रही है। एक और मोहब्बत हो रही है। सोफिया, हम निकाह के फौरन बाद मालदीव्स के लिए फ्लाई कर जाएंगे। बुकिंग करा ली? हाँ, रिजॉर्ट भी बुक हो गया। इसका मतलब है कि पापा घर ही नहीं आए, राइट? अब वो घर नहीं आएगा, उसने अपना घर अलग कर लिया। क्या इमरजेंसी है यार, लड़की वड़की लाया क्या? लड़की हमने कहाँ फंसाई है, लड़की तो उसके पापा ने फंसाई है और हनीमून के लिए ले भी गया। तो क्या मैं कभी अपने बच्चे को अपना नहीं कह सकूंगी? इसको बड़े होके पता नहीं चलेगा कि मैं इसकी माँ हूँ। क्या मुझसे पूछी मैं क्या चाहती हूँ? एक औरत की असल खुशी उसके घर, उसके उसकी औलाद से होती है। आपको अभी भी यकीन नहीं हुआ कि वो शख्स औलाद पैदा करने के काबिल नहीं है? आप लोग वो बदनसीब वालदैन हैं जिन्होंने जायदाद और दौलत को बुनियाद बनाकर मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। ऊपर से मेरी मासूम बहन अचानक उसे किसी आंख में झोंक दिया है। राफिया, राफिया सुनो, राफिया। एक और मोहब्बत हो रही है। राज किसी को पता तो नहीं चलेगा मैं? इसीलिए तो हमने राफिया का घर से निकलना बंद कर दिया है ताकि वो लोगों की नजरों में ना आए। अब ये बच्चा उसी का होने वाला है। तो क्या मैं कभी अपने बच्चे को अपना नहीं कह सकूंगी? मारिया के बच्चे को गोद ले लूं क्या? नहीं, तुम्हारी मर्जी है। हॉस्टल खोलो, स्कूल खोलो, फिर बच्चे ही बच्चे। मेरे सवाल का जवाब तो ना हुआ ना? अच्छा ठीक है, मैं इनकार कर देती हूँ। कुछ नहीं होना था, उसका एक रूटीन का चेकअप था। कुछ नहीं होता तब तक, कुछ नहीं होगा जब तक बच्चा पैदा नहीं हुआ। बस एक बात याद रखो, आइंदा बगैर मेरे पूछे कोई काम नहीं करोगी तुम। एक
मेरे कहने या ना कहने से क्या फर्क पड़ता है मामा? पहले मैं और अब मारिया, ऐसे लगता है जैसे हम दोनों को आपने दौलत के तराजू में तोल दिया हो। आप बड़े घर, गाड़ियां और दौलत देखते हैं, ये नहीं देखते कि उन घरों में रहता कौन है। अरे मेरी जान, तुम अपना ख्याल रखो, सब ठीक हो जाएगा। मैं हूं ना। इफ्ती में क्या कमी थी, पर आप लोगों को उस वक्त कुछ नहीं दिखाई देता था। बच्चा इंशाल्लाह नॉर्मल होगा और इसी तारीख पे एक्सपेक्टेड है। ये चार्ट मैंने लिखा है और जब हॉस्पिटल आएँ तो चार्ट ज़रूर लेकर आएँ। डॉक्टर साहिबा, ख़तरे की तो कोई बात नहीं है, एक्चुअली पहला बच्चा इसलिए ज़रा खौफ तो रहता है। जिस हॉस्पिटल में आपने रजिस्ट्रेशन कराई है वो प्राइवेट है और इस शहर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल। असल में हम लोग कोई रिस्क लेना नहीं चाहते, बच्चे से ज़्यादा तो हमें अपनी बेटी की ज़िंदगी प्यारी है। जच्चा बच्चा दोनों की ज़िंदगी डॉक्टर के लिए कीमती होती है। आप लोग मुझे इस बहस से डरा रहे हैं। हाँ जी, इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल ठीक हैं, फिक्र ना करें, दवाएं बाकायदगी से लेती रहें। डॉक्टर साहिबा, अब तो ऐसी मशीनें भी आ गई हैं ना जिससे पता चल जाता है कि बच्चा लड़का है या लड़की। हाँ, मगर नहीं पता चलाना चाहिए, खामखा उलझने पैदा होती हैं दिमाग में, जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा। अब मैं चाहती हूँ, अगर ज़रूरत हो तो फ़ोन करके पूछ लीजिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुगरा, डॉक्टर साहिबा को बाहर तक छोड़ के आओ। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उनकी नीयत नहीं ना ठीक। तो फिर आप किसी वकील से बात करें या पुलिस बिठाएं। अच्छा ठीक है, वकील से हम बात कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो 15 दिन बाकी रह गए हैं, रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है, मेरी सरकारी ड्यूटी खत्म। हमारी पुलिस तो शहजादी है, बस इन्हें एक दफा पता चल जाए किसी भी शख्स की कोई कमजोरी, पीछा नहीं छोड़ती। मुंह खोलकर बैठी हुई, हर बात पर ब्लैकमेलिंग, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। एक और मोहब्बत हो रही है, एक और मोहब्बत हो रही है। अब मैं चाहती हूँ, अगर जरूरत हो तो फोन करके पूछ लीजिएगा। अच्छा, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। सुगरा, डॉक्टर साहिबा को बाहर तक छोड़ के आओ। ये सारा चक्कर कैसे चलेगा, मुझे काफी डर लग रहा है। तुम क्यों डर रही हो, अब तो खबर तक तैयार हो चुकी है, छोटू सा कत्वा भी बन चुका है। नहीं मम्मी नहीं, प्लीज ऐसा मत करें, आप तो मुझे मजीद डराती जा रही हैं। इन सब बातों से तुम्हारा क्या ताल्लुक है, जो हम कर रहे हैं ना तुम्हें पता चल जाएगा। बस डर लग रहा है कि कहीं सचमुच कुछ गलत ना हो जाए। पागल हो तुम, इतने अच्छे हॉस्पिटल में तुम्हारी रजिस्ट्रेशन करवाई है, खामखा में डर रही हो। हम है ना, मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आती हूँ, बिल्कुल परेशान मत हो।
देखे ना डॉक्टर साहब, ये तो हमारा कानूनी हक है कि जब वो अस्पताल जाए तो हमें इतला होनी चाहिए। डेट्स तो मैंने आपको बता दी हैं, आप खुद भी जाकर वहाँ मालूम कर सकती हैं। ओ ये तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा किस अस्पताल चली गई है वो? देखिए केस तो नॉर्मल है, आप खुद मालूम कर लें। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन उनकी नीयत नहीं ना ठीक। तो फिर आप किसी वकील से बात करें या पुलिस बिठाएं। अच्छा ठीक है, वकील से हम बात कर लेंगे। मेरे हिसाब से तो 15 दिन बाकी रह गए हैं, रिपोर्ट मैंने आपको दे दी है, मेरी सरकारी ड्यूटी खत्म हुई, अब आगे कुछ होगा उसकी मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। चले आपने तो अपना काम पूरा कर दिया ना, इसकी बड़ी मेहरबानी। ड्राइवर से कहें मुझे छोड़ कर आए। ड्राइवर? ओ ड्राइवर तो इस वक्त नहीं है, लेकिन मैं नोमी को कहती हूँ, ठहर जाए आप। नोमी आ जरा इधर, अभी छोड़ आता है आपको। जी शुक्रिया। हाँ तो कादिर लंदन वाले, तेरा क्या बनेगा? तूने तो बड़ी संजीदा बात बता दी यार। मेरे ऊपर तो दोनों तरफ से हमला हुआ है, एक तरफ से लंदन की पुलिस और दूसरी तरफ से पाकिस्तान की पुलिस, हर बात पर मुझे ब्लैकमेल कर रही है यार। ये किस तरह की पुलिस बनाई है तुम लोगों ने? हमारी पुलिस तो शहजादी है, बस इन्हें एक दफा पता चल जाए किसी भी शख्स की कोई कमजोरी, पीछा नहीं छोड़ती। मुंह खोल कर बैठी हुई, हर बात पर ब्लैकमेलिंग, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया है। भाई ये सिर्फ पैसे की जबान समझते हैं, यहां चलती ही पैसे की जबान। मेरी सिफारिश पता है कौन मानेगा? जिसको कल मेरे साथ कोई काम पड़ना है, सीधा सीधा गिव एंड टेक है। यार शकील मैंने बहुत जरूरी जाना है और बेटी की शादी के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं। तो कर दो, किसने रोका? यार मुझे डर है कि वो इनकार ना कर दे या फिर कहीं भाग ना जाए, उसको किसी के ऊपर एतबार नहीं है। तो फिर मैं क्या कर सकता? तुम एक काम करो, किसी जज की सिफारिश ढूंढो, बस नैन्सी की जो मेरी बेटी से मुलाकात है वो किसी तरीके से रुकवा लो। यार मैं तो कहता हूं कि सीधा सीधा किसी शख्स को उसके पीछे लगा दो, बल्कि एक आध फायर भी करा दो, भाग जाएगी यहां से। अपना पाकिस्तानी नुस्खा है ये। ओ भाई बड़ी डीट हड्डी है, वो इतनी आसानी से नहीं मानेगी। खैर मैं खुद कुछ करता हूं, हम भी कबायली लोग हैं, इज्जत पर जान भी दे देते हैं। बस यही रास्ता इख्तियार करो, अपनी तो प्यार ही बहुत है। मैं एक फोन मिला लूं। हेलो, ये अमरीकी और फरंगी कर रहे हैं। जी बाबा जान, हालात ऐसे हैं, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं। खादर साहब, आपने देख लिया कि हमारा अपना इलाके में क्या इज्जत क्या मकाम है? जी बस वो अल्लाह की देन है, आप आलिम दीन हैं, मुझे कोई वहम नहीं। माय पुअर चाइल्ड, वेरी सून यू विल बी विद मी। क्या अंग्रेजियां मारता है ये, हर जगह बकबक करता हमारे पीछे चला आता है। कम कम इनसाइड, कम विद मी। एक और मोहब्बत हो रही है, एक और मोहब्बत हो रही है। एक तो इलाके में बहुत नफरत पाया जाता है, एक गैर मुल्की गैर मजहब हमारे इलाके के एक मुसलमान लड़की को वरगला रहा है। बात तो आपकी ठीक है, मसला तो कानून का है, वरना यहाँ तो कोई परिंदा भी पार नहीं मार सकता। ये मुसलमानों के खिलाफ जितना साजिशें हो रहे ये अमरीकी और फरंगी कर रहे हैं। जी बाबा जान, हालात ऐसे हैं, लेकिन परेशान होने वाली कोई बात नहीं। खादर साहब, आपने देख लिया कि हमारा अपना इलाके में क्या इज्जत क्या मकाम है? जी बस वो
اللہ کی دین ہے، آپ عالم دین ہیں، مجھے کوئی وہم نہیں۔ ایک تو اپنا حق کے لیے بھی یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ آپ حق پر ہیں۔ 11 ستمبر کے بعد داڑھی رکھنا جرم ہو گیا، اس تاثر کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ جی بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اس گوری کو بھی اپنے قبائلی رسم و رواج سمجھانا پڑیں گے۔ ہاں بالکل، عزت اور غیرت کا آگے زندگی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے۔ ملا صاحب آپ لوگ اشارہ کرو، ہمارا آدمی اس کو 24 گھنٹے میں ادھر سے گم کرے گا۔ میرے خیال میں اب اس کی ضرورت ہے۔ دیکھو قادر صاحب، ویسے تو ہم لوگ کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہیں کرتا ہے، لیکن باور ضرور کرائے گا۔ صرف باور کروائیں بس، وہ تو ہم ایسا کروائے گا کہ وہ یاد رکھے گا۔ لیکن مولانا برکت اللہ، ایک بات یاد رکھو کہ جوش میں بھی ہوش سے کام لو۔ قانون کی اپنی حدود ہوتی ہیں، کم از کم انگلینڈ میں تو ہوتی ہیں۔ قادر صاحب، ادھر ہم قانون کا حد خود بناتا ہے، آپ فکر مت کرو، جو بول دیا وہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ ٹھیک۔ My poor child, very soon you will be with me. Kya andrasiya marta hai ye? Har jagah bak bak karta hamare piche chala aata hai. Come inside. Come with me. ایک لو